हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग आ गए हैं अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अलमंडा प्लांट के बारे में। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही बड़े साइज़ में इसके फ्लावर आते हैं। देखिए मेरे हाथ के साइज़ का इसमें फ़्लावर आ रहा है, बहुत ही सुंदर जो कि देखने को लगते हैं। एक फ़्लावर इसमें येलो कलर का आता है और एक ये पिंक कलर का आता है। दोनों ही फ़्लावर देखने को बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए, देखते देखते गलती से मेरे से एक फ़्लावर भी टूट गया। तो चलिए कोई नहीं, वीडियो तो बनानी है और ये फ़्लावर अब मैं अपने जो मंदिर है भगवान के आगे इसको चढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर फ़्लावर है, बहुत ही अच्छा देखने को लगता है। और एक फ़्लावर ये आ रहा है और एक ये खिलने वाला है, एक यहाँ पर और नीचे, और काफ़ी ही सारी इसमें बर्ड्स भी आ रही हैं। तो ये सब किस लिए हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कैसे एक प्लांट पे इतने सारे फ़्लावर ऑब्टेन करे, और कलियाँ भी इसमें बहुत सारी आ रही हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी कलियाँ इसमें बहुत सारी आ रही हैं, और ये पूरा प्लांट जो मेरा है वो कलियों से भर चुका है। इसका मेन जो कारण है वो है इसकी कटिंग। ये जो मेरा प्लांट है बिल्कुल सीधा बढ़ रहा था इस पॉट में से, और ये वही प्लांट है जिसमें से हमने अपनी कटिंग जो है वो काट के लगाई थी अभी थोड़े टाइम पहले ही। उसकी वीडियो भी मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, कि आप अलमंडा की कटिंग्स कैसे उगा सकते हैं पानी में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, वो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा अपनी वीडियो में, तो वो भी आप देखिए। तो उस टाइम मैंने इस प्लांट की कटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर दी थी। उस टाइम बरसात का सीज़न था, तो जहाँ जहाँ से मैंने इसकी कटिंग करी थी वहाँ से इसकी दो दो तीन तीन जो शूट्स हैं वो निकली। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ से, जैसे कि जो इसकी ये वाली ब्रांच है यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था, तो इसमें एक ब्रांच ये निकल गई यहाँ से बराबर में से, और एक ये निकल गई, और जो ये ब्रांच निकली इसी ब्रांच पे, ये देखिए ये वाली ब्रांच है जिस पे फ्लावर भी आया हुआ है। ये देखिए ये वही ब्रांच है जिस पे बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आ रहा है और बहुत सारी कलियाँ भी आ रही हैं, और इस वाली और ऐसे ही बाकी जगह से भी इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल गई हैं। तो मेन जो इसका इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग देने का जो रीज़न है वो है इसकी कटिंग। ये देखिए कटिंग से मेरा प्लांट जो है कितना भर गया है। पहले ये नीचे से सिर्फ एक लंबी सी डंडी थी और ऊपर जाके इसमें बस हर साल दो तीन फ्लावर आते थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने कटिंग कर दी तो आप ये देख सकते हैं नीचे से इसमें कितनी ही सारी जो इसकी स्टेम्स हैं वो निकल चुकी हैं। तो कटिंग आपको इसकी टाइम टू टाइम करनी है। तो ये फ़्लावर मैं उठा लूँ, ये गिर गया था, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ़्लावर। तो इसके फ़्लावर देखने को काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। इस प्लांट में चींटियाँ भी लग जाती हैं, क्योंकि ये फ़्लावर वाला प्लांट है। फ़्लावर वाले प्लांट में अक्सर हमको चींटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चींटी के लिए आप इसमें सिनेमम पाउडर या फिर हल्दी का पाउडर भी डाल सकते, या आप अपने प्लांट में जो एक्सशेल फर्टिलाइज, जो एक्सशेल होते हैं खाली अंडे के छिलके, वो भी डाल सकते हैं। उससे वो आपका पेस्टिसाइड की तरह भी काम करेगा और फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करेगा। अंडों के छिलकों में कई हद तक कैल्शियम जो है वो मौजूद होता है, तो कैल्शियम से हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़ भी हो जाएंगे हमारे प्लांट, और उसमें जो चींटे की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर उसके बाद भी रहती है तो आप इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स आते हैं, पेस्टिसाइड आते हैं, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। एक स्प्रे आता है नोवान नाम से, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्प्रे, वो खूबसूरत कह रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्प्रे होता है। और नोवान अभी फ़िलहाल मेरे घर में, क्योंकि आपको दिख रहा होगा पेंटिंग का काम, ये दीवार पेंट हुई हुई हैं, तो पेंटिंग का काम चल रहा था, तो अब वो पता नहीं कहाँ रखा है, उसको मैं ढूंढूंगा, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। वरना बहुत सारे पेस्टिसाइड आते हैं मार्केट में, आप जाएंगे किसी भी गार्डनिंग शॉप पे, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो आपको पेस्टिसाइड दे देगा जो कि आपके प्लांट के लिए सूटेबल रहेगा। अब बात करते हैं वाटरिंग की। वाटरिंग यहाँ मेरे जो एरिया है, यह हरिद्वार साइड है रुड़की, यहाँ पे बरसात थोड़े दिन से कंटिन्यूसली हो रही है, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसकी सॉइल में। इसकी सॉइल अभी मतलब अपने आप ही गीली रहती है, और एक अब सर्दी का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है, तो पानी इतनी जल्दी सूखता भी नहीं है। तो आप इसमें जब सर्दियाँ हैं, अब सर्दियों के मौसम में ही फ्लावरिंग करता है, तो हर दो दिन छोड़ के इसमें पानी दे दें, और पानी आप ऐसे दें एक बार जो इसकी पूरी जो मिट्टी है वो गीली हो जाए। ऐसे ना दें कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं, उससे प्लांट को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। प्लांट को बेनिफिट तब होता है जब उसकी एक बार आप जो पूरी सॉइल है वो गीली कर दें। अगर
जो एक बार उसकी जो सारी सॉइल है गीली हो जाएगी तो उसकी जो रूट्स हैं वो प्लांट को पानी पहुंचा देंगी, जो कि सर्दियों के में 2-3 दिन तक प्लांट के लिए इनफ रहता है। और गर्मियों में तो इस प्लांट को डेली पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये प्लांट है जो कि इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों में अगर आपका ये प्लांट है, आपने इसको अपने टेरेस पर रखा हुआ है या ज़मीन में लगा रखा है, तो आपको इसमें रोज़ पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर देने वाला प्लांट है। और जैसे कि दिवाली आ रही है, सारे अब हमारे जो फेस्टिवल्स हैं जो अब वो आने लगे हैं, दशहरा दिवाली अब सारे फेस्टिवल आएंगे, तो उसमें ये जो फ्लावर्स हैं वो बहुत काम आते हैं, बहुत सारे फ्लावर देता है। अब जैसे कि यहाँ पे ये फ्लावर लग रहा था, तो जो ये दो कलीस के बराबर में आ रही हैं, एक ये वाली कली और एक ये वाली कली, तो अब इनकी ग्रोथ इतनी नहीं हो रही थी क्योंकि जो सारा न्यूट्रिएंट्स थे वो उस फ्लावर को मिल रहे थे। अब ये गलती से मेरे से टूट गया, तो अब ये फ्लावर कल सुबह तक खिल जाएंगे, जो कि बहुत सुंदर लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लांट के बारे में दे दी। अब दूर से भी आप एक बार ये प्लांट देख लीजिए कैसा लगता है देखने में। बकेट ये ड्रम में लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और देखिए कहाँ तक का जा रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और एक चीज़ और दिखाऊँ, ये देखिए, ये वही वाली कटिंग्स हैं जो मैंने आपको भी बताई थी कि हमने अलमंडा की उगाई थी। ये देखिए, ये सारी वही कटिंग्स हैं अलमंडा की जो हमने इस पेड़ में से काटी थी। इसकी भी वीडियो मौजूद है, अपडेट वीडियो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं। चलिए, आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करता हूँ कि जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें इतनी डिस्टर्बेंस क्यों होती है। तो उसका मेन रीज़न है ये पीछे वाली फैक्ट्री। ये फैक्ट्री नहीं, ये शोरूम है, ये हीरो होंडा का शोरूम है। तो यहाँ पे अक्सर जो ये देखिए आपको वो दिख रही होंगी, वहाँ बाइक्स, बहुत सारी बाइक्स दिख रही होंगी। ये सारी यहाँ बाइक्स हैं जो आपको छोटी छोटी दिख रही हैं, ये सारी बहुत ही सारी बाइक हैं, हज़ारों की संख्या में बाइक यहाँ आती रहती हैं रोज़। और एक वो ट्रक वहाँ से आ रहा है, देखिए उसमें भी जो बाइक हैं वही आ रही हैं। तो यहाँ रोज़ अपलोडिंग का और ऐसा सिलसिला चलता रहता है, बाइक उतरती रहती हैं और अपलोड होती रहती हैं। यहाँ एजेंसी भी है और सफाई भी इनकी चलती रहती है, तो उसकी वजह से मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलती है। वो देखिए, अब इस ट्रक का जो ये गेट है वो खुल चुका है और उसके अंदर बाइक्स ही बाइक्स हैं। और उसके पीछे आपको हाईवे दिखाई दे रहा होगा जहाँ से ये गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये वो हाईवे है, तो उसकी वजह से भी बहुत काफ़ी डिस्टर्बेंस महसूस होता है मेरी वीडियोज़ में। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी वीडियो जो है वो सुबह के टाइम शूट करा करूँगा, क्योंकि सुबह यहाँ इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो वीडियो की जो साउंड क्वालिटी है वो भी अच्छी आपको मिलने लगेगी। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।